जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटो व्हील्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है स्विफ्ट VXi और ख़ास बात यह है कि इसके जो ओनर है वो भी हमारे साथ है। तो आप ही समझ ही सकते हैं कि ये वीडियो जो होने वाली है एक ओनरशिप रिव्यू होने वाली है। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपना ओनरशिप रिव्यू मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना तो आप भी मुझसे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर हम फ़ोन पर बात करके एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए इस गाड़ी के ओनर को फ्रेम में बुलाते हैं। तो भाई प्लीज़ फ्रेम में आ जाइए। हेलो गाइस, मेरा नाम वंशज है और इस गाड़ी का मैं ओनर हूँ। इस गाड़ी को चलाते हुए मेरे को 1 साल हो गया और बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है, बहुत कंपैटिबल है और फैमिली कार है। तो वंशज भाई, पहले बात ये है कि आपको कितने की पड़ी थी गाड़ी है और कौन सा मॉडल है? भाई मेरे को ये गाड़ी पड़ी थी 8 लाख अप्रॉक्स की, 8 लाख के करीब की पड़ी थी ये। अच्छा। और ये है 2019 के लास्ट का टाइम था जब ली थी हमने। 2019 दिसंबर के आसपास की है क्या ये? दिसंबर के आसपास की। और दोस्तों खास बात ये है कि ये है डीजल इंजन, तो आप समझ सकते हैं कि डीजल इंजन की कितनी डिमांड थी एक टाइम पे, जो कि मारुति ने बंद करके अपना वो तो एक तरह के नुकसान खेला जो भी है कि मारुति ने इसको बंद कर दिया था। तो अब भी इस डीजल इंजन के फैन है। तो वंशज भाई सबसे पहली बात कि आप जब 8 लाख रुपये आपने खर्च करे तो उस वक्त आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी? एक बात और बता दूं दोस्तों मैं कि वंशज भाई ने 8 लाख रुपए इसमें खर्च करे हैं, तो इस भाई ने पापा की हेल्प करी है अपने इस गाड़ी को लेने में। और ये बंदा जो है बीटेक फोर्थ ईयर में, भाई उस टाइम पे तो मैं सेकंड ईयर में था, बीटेक सेकंड ईयर में, उस टाइम पे बंदे ने अपने पापा की हेल्प करी 8 लाख रुपए गाड़ी को परचेज करने में। और वो कैसे करी वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो वंशज भाई सबसे पहली बात कि आपने जब 8 लाख रुपए खर्च करे तो कौन कौन सी गाड़ी देखी उस वक्त? उस टाइम पे मेरे माइंड में i20 थी, बलिनो थी, बट स्विफ्ट पे मन अटका क्योंकि i20 एक तो थोड़ा रेंज तो सेम है दोनों की, हाँ। नेगी पड़ती मेरे को, बट उसका एक तो एवरेज और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है i20 का। ठीक है, मेरे को बहुत इसके मैकेनिक्स आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और ये बहुत सही होता है। और बलिनो का मैंने मतलब चला के देखी थी, मेरी फैमिली में थी, तो 80 के ऊपर अगर उसको लेके जा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बबलिंग सी करती है कार। डायनेमिक्स आपको थोड़ा वो लगे स्टेबल नहीं थी गाड़ी इस वक्त? स्टेबल नहीं थी। अच्छा। फिर एक मामा के पास मेरी थी, इससे पुराना मॉडल मैंने वो देखी थी, मेरा फिर वही स्विफ्ट ही लेनी है, नया मॉडल ये जब नया आया था। हाँ हाँ। तो ले डाली है भाई। अच्छा, तो भाई अब आपने कितनी चला ली गाड़ी है? गाड़ी तो भाई कितनी 16-17 हज़ार गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी के रख रख से वाकिफ है भाई आप। हाँ भाई। अब भाई गाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव की, कि गाड़ी आपने 16-17 हज़ार किलोमीटर चला ली है, क्या क्या पॉजिटिव लगे कि अगर आज का एक व्यूअर लेने जाए मेरा बंदा जो मेरे यहाँ आपकी वीडियो देख के जा रहा है तो उसको दिमाग में क्या क्या गाड़ी में ये खासियत है ये नुकसान है लेने में तो वो बता दो भाई। भाई देखो एक तो अब भी इसका एवरेज जो है 29 आ रहा है, 29 MID में शो कर रहा है। हाँ। वो टैंक टू टैंक किया है? हाँ, टैंक टू टैंक तो नहीं किया बट 29 इसका शो कर रहा है, हाईवे पे बहुत सही एवरेज देती है। अच्छा, ठीक है। और इसका पिकअप बहुत अच्छा है, ठीक है, पिकअप बहुत ही अच्छा है इसका। और ये 100-110 ये मान लो आपको 30-40 सेकंड लगेंगे बस पहुँच जाएगी। अच्छा, ठीक है। और मैकेनिक्स के इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत इजीली हम जाते हैं, सर्विस आराम से मिलती है, सुजुकी बहुत सही सर्विस भी देती है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी कंपनी है। और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है इसकी, डायनेमिक्स तो है यार काफी। हाँ। अच्छा डायनेमिक्स है, बॉडी रोल बहुत ही कम लगता है मुझे इस गाड़ी को। और इसका साउंड सिस्टम स्टीरियो में थोड़ी मेरे को एक चीज की वो नेगेटिव लगती है, स्टीरियो में इसका ये है कि कनेक्ट करके हमें रोक के गाड़ी वो हैंड ब्रेक लगा के नया डिवाइस अगर कनेक्ट करना है तो हमें करना पड़ता है यार। वो तो मारुति की हर गाड़ी में भाई, भाई अब मारुति की नहीं, अब बेसिकली हर गाड़ी में ही हो रहा है वो सेफ्टी का, एक तरीके सेफ्टी पर्पस ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है बट हां वो लगता है थोड़ा सा। और इसका वैसे साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे को जरूरत नहीं लगी कभी एक्सटर्नल कुछ करवाने की। अच्छा, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, सराउंडिंग अच्छे है। अब भाई साउंड सिस्टम बढ़िया है, अब कुछ नेगेटिव की बात कर लें। एक तो नेगेटिव हो गया वो जो आपको ये लगा कि हाँ भैया स्टीरियो कनेक्ट करने को, तो चलो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई, दूसरा नेगेटिव क्या लगा? एक इसका स्टीयरिंग जो है उसमें जो उसका हॉर्न का बटन है वो थोड़ा बीच में है। हाँ हाँ। तो चलाते वक्त ना वो थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा दूर जाना पड़ता है उसके लिए, उसे प्रेस करने के लिए वो रहता है क्योंकि भाई हाईवे पे चलते हैं एकदम से। हाँ, इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो तुरंत रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं होता, थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो वो आपसे तो है थोड़ा। और एक चीज़ और दोस्तों मुझे लगी, जो व्यूअर्स हमारे कह रहे हैं और जो दूसरे ओनर से पता चला है कि जैसे जो ड्राइविंग पोस्चर जैसे आप बैठते हो तो आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो MID है वो क्लियरली विजिबल नहीं रहती, तो क्या वो आपके साथ भी है या फिर कुछ सर्टेन ओनर्स के साथ ही है? नहीं, मेरे को तो
क्लियरली विजिबल रहती है, और इवन मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तब भी मेरे को सही दिखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, वो सही दिखता है बिल्कुल। चलो दोस्तों, ये जो इंजन हम देख रहे हैं ये है सुजुकी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंजन, जो कि है 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन। वहीं अब बात करते हैं इस डीजल इंजन की मेंटेनेंस की। तो वंशज भाई, हाँ भाई, तो कितनी मेंटेनेंस जाती है, मतलब सर्विस आप करवाते हो इसकी, सर्विस कॉस्ट कितनी जाती है इस गाड़ी की? भाई इसकी सर्विस कॉस्ट जाती है 5 to मतलब ऐसी 5-5.5 हज़ार के करीब। 5.5 हज़ार में डीजल इंजन की सर्विस जाती है आराम से? जाती है विद ऑयलिंग, ऑयलिंग सब। तो कहाँ से करवाते हो, मेरठ से करवाते हो कहीं? तो कैसा लगा शोरूम का व्यवहार आपको? बढ़िया, सर्विस बढ़िया है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जाओ अपना की दो, फॉर्म भरो और अपना आ जाओ। अच्छा अच्छा, बढ़िया सर्विस करते हैं, सर्विस बढ़िया करते हैं। और वेटिंग टाइम कितना रहता है, क्योंकि मारुति की गाड़ी आपको बताइए अच्छी खासी बिकती भी है, तो सर्विस टाइम भी इनका अच्छा खासा रहता है। सुबह जाता हूँ मैं, रात शाम तक मिलती है, शाम तक मिलती है, तो वही है। लेकिन बिहेवियर वाइज सही है, कुछ बैठ बढ़िया सही है, वो मेरे को बिठाते हैं, अच्छा है। चलो अब गाड़ी के इंटीरियर बात करते हैं, जरा इंटीरियर में क्या अच्छा लगता है आपको? तो वंशज भाई एक बार बताओ, क्यों गाड़ी के इंटीरियर में बैठे हैं, तो इंटीरियर क्वालिटी कैसी लगती है आपको? इंटीरियर क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइन है, हार्ड प्लास्टिक है, शाइनिंग है, मतलब अगर पॉलिश कर दो तो अच्छे शाइन करती है। हाँ मतलब i20 के कंपैरिजन में थोड़ा लो है उससे, बट हाँ सही है, काम चला रहा है अपना, काम चला रहा है। और स्पीडोमीटर जैसे ये लगता है, स्पीडोमीटर अच्छा लगता है, स्पोर्टी सा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। मतलब ये इन्होंने थोड़ा अलग करा पिछली, मतलब ये थोड़ा अलग था पुराने वाली में, नया थोड़ा चेंज करा इन्होंने, नहीं बढ़िया लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। और आप कह रहे थे ये भी थोड़ा आपको लगी फील देता है, किस चीज की फील देता है ये? थोड़ा पैडल शिफ्टर ऐसे बखानी हो ऐसे, अच्छा कॉल उठाने में पैडल शिफ्टर की फील दे रहे हो, चलो बढ़िया यार। अब बताओ यार, एसी मैंने सुना है कि बहुत पावरफुल है इसका, एसी का कैसा लगा बताओ? एसी तो भाई आप हाईवे पे ले जाओ इसे, मैं कह रहा हूँ कितनी भी गर्मी हो 3 पे चलाना पहले, उसके बाद थोड़ा चलते रहना, तुम 1 पे कर दोगे आप इसे 20-25 किलोमीटर के बाद ही। अच्छा, 1 पे कर दोगे और 1 पे फिर ये चलता ही रहेगा, 1 पे 3 वाली कूलिंग करता है, जरूरत नहीं पड़ती है। मनीष भाई एक चीज बताओ कि डीजल इंजन आप चला रहे हो, इसमें टर्बो लॉक कहते थे कि गाड़ी में टर्बो, डीजल इंजन में रहता भी टर्बो लॉक, तो आपको अभी तक लगा कि गाड़ी में टर्बो लॉक है? क्योंकि देखो लगता है, तो कितने आरपीएम के बाद लगा? लगता है, लगता है 3 के बाद ना, थोड़ा सा 3 के बाद भी नहीं, मतलब 2-2.5 के करीब हाँ होता है। अच्छा 2-2.5 से बाद उठनी शुरू हो जाती है गाड़ी, बट हम लेके नहीं जाता, मैं तो 2 के बाद चेंज कर देता हूं, चेंज करता हूं एवरेज निकालने के लिए। हां सही सही है, लेकिन 2 के बाद उठनी शुरू हो जाती है गाड़ी, हां भगती है फिर। चलो अब वंशज भाई एक बात बताओ, अभी से हमने शुरू में खाता वीडियो के अपने, कि आपने इस गाड़ी को लेने पापा जी की हेल्प करी, तो भाई वो बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं कि यार कैसे वो भी हेल्प कर सकते हैं अपने पापा मम्मी की। देखो पापा गाड़ी में क्या, इवन बहुत चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा करा है, थोड़ी हेल्प करी है घर वालों की। मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग में स्टार्ट करा था सबसे पहले, डिजिटल मार्केटिंग। मेरे साथ एक बंदा भी है, मेरे साथ पार्टनर है मेरा, हम दोनों इंस्टाग्राम के पेज हैं, तो उनके ओनर हैं, 4 पेज हैं हमारी कंपनी में, हमारी अपनी मर्चेंडाइज भी है, हम अपने कपड़े भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास बहुत सारे, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, वो सब भी है। और ये चीज़ जो हम कर रहे हैं और थोड़ी अर्निंग हो रही है हमें इनफ इससे, कॉलेज में अभी तो मैं, बट इसे अपग्रेड और करना है अभी आगे, तो वो चीज़ अगर मतलब हम लोगों को वो चीज़ सिखाते भी हैं, अगर मतलब हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है वो मोटिवेशन पेज है, कोट्स वगैरह हम उसे अपलोड करते हैं। एक रुकूंगा भाई आपको मैं, भाई के इंस्टाग्राम पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भाई से कॉन्टैक्ट करना हो सीधे बाइक पे जाना, अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो आप बिल्कुल मेरे से पर्सनली फ्री होकर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आराम से जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। अब वंशी भाई आगे बताओ आप, तो वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम में कुछ करना है, उसमें ग्रोथ करनी है, उसमें हम प्रॉपर आपको गाइडेंस देंगे, पर्सनल असिस्टेंट्स भी हैं हमारे पास और बैचेस भी होते हैं हमारे, वो भी हम आपको डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी फील्ड में, बहुत सारी फील्ड हैं डिजिटल मार्केटिंग, उसमें करना है तो वो सब भी हमारे पास अवेलेबल है, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको किसी चीज में भी इंटरेस्ट है तो आप हमको एक बार DM जरूर करें। अर्निंग भी अच्छी खासी है ना, मेहनत करने की जरूरत है, देखो मेहनत तो हर चीज़ में, हर चीज में करनी पड़ती है। मैं सेकंड ईयर में कॉलेज था, उसके बाद ये कोविड वाला हो गया तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, बट कोविड वाले सेशन में मेरे को टाइम मिल गया, मैंने अच्छे से करा और अब मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल मैंने कोविड वाले सेशन में किया था कि मुझे भी स्टार्ट करने का मन था, मैंने करो यार अपना करना है। अब वंशी भाई चलो वो तो हो गई अर्निंग की बात, अब वापस आते हैं अपने पुराने वाले टॉपिक पे। वंशी भाई अब हमने जो है कस्टमर्स को अपने, जो हमारे व्यूअर्स आते हैं या जैसे आप हो ओनर्स अपनी गाड़ी के, तो उनको हमने कुछ पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, वो आपको बताता हूँ कि एवरेज, गुड और बेस्ट। तो आप अपने आप को किस पैरामीटर के अंदर अपना सोचते हो कि हाँ मैं इस पैरामीटर के अंदर हूँ? मैं एवरेज, गुड तो नहीं कह सकता बट एवरेज भी नहीं कह सकता। अच्छा समझ रहे हो? हाँ कि गुड भी नहीं कह सकता, मतलब एक दो कमियां हैं मगर गाड़ी
जेन्युइन है और मैंने जिस हिसाब से पैसा खर्च करा है ना, मेरे को चीज मिली है। अच्छा। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरे को डीजल मिल गया। हाँ, अब लोगों को नहीं मिल पाएगा। हाँ, हाँ। वो उस वजह से मैं अपने आप को गुड में मान सकता हूँ। अच्छा, तो गुड में ही मानते हो अपने पैरामीटर को, गुड में मानते हो। अब वंशज भाई, अगर मारुति सुजुकी इतनी बड़ी कंपनी है तो अच्छे खासे नेटवर्क भी है, तो उनकी तरफ से कोई बंदा हमारे वीडियो देख रहा हो और आपको सुन रहा हो, तो आप उनको क्या गोल्डन वर्ड्स कुछ कहना चाहोगे? गोल्डन वर्ड्स नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, ये जो आपने डीजल जो बंद करा है इसको दोबारा से स्टार्ट करो। अच्छा। ये लोगों को इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं आपको मारुति की तरफ से कहना चाहूंगी कि गोल्डन ये है कि डीजल इंजन आप वापस से स्टार्ट करें, स्टार्ट करवाओ। ये बीच में सुनने भी आ रहा था कि मारुति शायद टेस्टिंग भी कर रही है, तो शायद आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है। हो जाए तो चलो अगली गाड़ी फिर उसकी ले, फिर वही वापस वही डीजल। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप भी चाहते हैं अपना ऑनरशिप रिव्यू मेरे साथ शेयर करना, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम मीटिंग फिक्स करके आपका भी ऑनरशिप रिव्यू शूट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।